और सैमुअल मिरांडा, जी हाँ, उससे जुड़ी हुई खबर आप जान लीजिए। एनसीबी की टीम ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है। एनसीबी के 7 अधिकारियों की टीम मिरांडा के घर पहुंची थी। रेड हुई पहले और रेड के बाद मिरांडा को एनसीबी अपने साथ ले गई। सैमुअल मिरांडा, जी हाँ, घर के भीतर के कुछ किरदारों में से एक सैमुअल मिरांडा, सुशांत का स्टाफ सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स मामले में अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। तो ये आज सुबह की अहम अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जो हम आपको बता रहे हैं। और आप समझिए कि ड्रग्स मामले में कई बड़े सफेदपोशों के नाम भी उजागर हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे करके ये कड़ियां जुड़ती जा रही हैं एक दूसरे से, ये मालूम चल रहा है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा था और शायद इसी नेटवर्क ने सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली। क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे इस पूरे नेटवर्क का हाथ है, ये खंगालने की कोशिश लगातार एनसीबी कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, इसके लिए इंडिया न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में। ये दो खबर आप देखिए, ये दो तस्वीरों के जरिए रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 3.5 घंटे से रेड चली रिया शौविक के घर पर। उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है उससे एक बात साफ जाहिर है कि आगे चल के गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी हाँ, गिरफ्तारी की तलवार रिया और शौविक पर लटक रही है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है एनसीबी ने और ये बहुत बड़ी खबर आज सुबह की। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिए जाना इस बात की तस्दीक करता है कि आगे भी और हिरासत का जो कार्रवाई है वो एनसीबी कर सकती है। रिया के घर में एनसीबी की रेड की आप तस्वीरें देखिए और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच लगातार आगे बढ़ती है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रीति जुड़ रही हैं और इसके साथ ही शिवानी भी जुड़ रही हैं मुंबई से। सबसे पहले प्रीति सोमपुरा, आपका रुख करते हुए, ये बड़ी खबर आज सुबह जब आई है कि सैमुअल मिरांडा हिरासत में लिया गया है, ये कौन सा मोड़ नया इस केस को देगी? क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन में जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, एक के बाद एक तमाम नाम सामने आते जा रहे हैं, और अगर एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है तो इसके मायने क्या है? प्रीति, देखिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आज सवेरे की जो पूरी कार्रवाई देखे तो करीब समय 6:50 पर जो है नार्कोटिक्स की टीम जो है दोनों जगह पर छापेमारी की थी। छापेमारी में जो है उन्होंने वहां छापेमारी करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में डिजिटल डिवाइसेस भी जो है कुछ जब्त की है। साथ में ही जो है सैमुअल मिरांडा को जो है समन्स इश्यू कर दिया गया, लेकिन सैमुअल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ ही जाएगी, क्योंकि लगातार उसके घर के बाहर जो है मीडिया का जमावड़ा है, ऐसे में वो बाहर नहीं निकल सकता। और सैमुअल जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ में जो है फिलहाल जो है नार्कोटिक्स की ऑफिस में जा रहा है, क्योंकि उसको जो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा समन्स इश्यू किए गए और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो है उसको हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें रिया चक्रवर्ती की घर की, तो रिया चक्रवर्ती के घर पर जो है केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली से आए हैं उन्होंने यहाँ छापेमारी की थी। साथ में समीर वानखेड़े जो नार्कोटिक्स कंट्रोल टीम को मुंबई में जो है लीड कर रहे हैं वो भी रिया चक्रवर्ती के घर पे पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे भी छापेमारी की। आपके पास लौटती हूँ मैं प्रीति, लेकिन शिवानी का रुख मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये है, सैमुअल मिरांडा को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शौविक चक्रवर्ती का नाम बार बार आ रहा है। 12 ड्रग पैडलर्स जो हैं वो एनसीबी की रडार पर हैं, उनका नाम आ रहा है, उनके जो चैट हैं शौविक के साथ वो सार्वजनिक हो रहे हैं और पूछताछ में भी इन ड्रग पैडलर्स ने खासतौर से जैद का नाम आ रहा है, उसने शौविक का नाम लिया। क्या समझा जाए कि सैमुअल हिरासत में लिया गया है, 3.5 घंटे से रेड चली रिया और शौविक के घर पर, अब गिरफ्तारी की तलवार, हिरासत में लिए जाने की तलवार रिया और शौविक पर भी लटक रही है। शिवानी, आपसे सवाल है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि भले ही सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन शौविक और रिया चक्रवर्ती जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई भले ही अपडेट आओ, पर यह है कि हाँ, उन्हें पूछताछ के लिए जरूर एनसीबी के ऑफिस दफ्तर में ले जाया जा सकता है, जहाँ एनसीबी के जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं, वो पूछताछ जरूर कर सकते हैं। रिया और शौविक के बीच जो चैट हुई थी उसको लेकर फिलहाल दोनों को ही समन जारी कर दिया गया है, दोनों को ही जो एनसीबी की टीम है वो अपने साथ एनसीबी के दफ्तर मुंबई में लेकर जाएगी।
जाएगी जहां दोनों से पूछताछ होगी। हालांकि हिरासत को लेकर कोई फिलहाल की खबर सामने नहीं आ रही है पुख्ता रूप से, लेकिन एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मुंबई की टीम की जो सिक्योरिटी है मुंबई पुलिस की वो काफी बढ़ा दी गई है। मैं फिलहाल बैक गेट पर खड़ी हूँ जहां पर पुलिस ने फिलहाल किसी को भी खड़ा रहने से मना किया, यहां तक कि मीडिया को भी अब यहां आने जाने से रोका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो रिया का घर है वो इसी बैक गेट से थोड़ा बहुत नजर आता है, तो जिससे कि मीडिया अंदर की खबर भी ना ले सके, इसलिए यहां पर फिलहाल पुलिस ने लोगों को हटा दिया है। कहीं ना कहीं जो अब सैमुअल मिरांडा भले ही अरेस्ट हो गए हैं, शोविक और रिया को अपने साथ सिर्फ पूछताछ के लिए आ जाएंगे। ठीक है, पूछताछ के लिए, पहले पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है ये पूछताछ, क्योंकि पहले भी जिस तरह से सवाल दागे गए रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती पर, वो असहज हुए और वो संतुष्ट नहीं कर पाए जांच एजेंसियों को, ये सबके सामने है। और इसीलिए आगे भी ये जांच पड़ताल चलती रहेगी, आगे भी ड्रग्स मामले में खासतौर से जो सवाल शोविक के सामने रखे जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और शोविक उसका क्या जवाब देता है। प्रीति, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, कल इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी कई घंटे पूछताछ हुई है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ को लेकर सामने आ रही है वो ये कि उनको सारी जानकारी थी। इंद्रजीत चक्रवर्ती को अपनी बेटे के एक्टिविटीज के बारे में, अपनी बेटी के रिलेशंस के बारे में तमाम जानकारियां थी। और अब जब इतना बड़ा ये केस सामने आ गया है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी है, कल की जो पूछताछ इंद्रजीत चक्रवर्ती से हुई और आज जो 3.5 घंटे से रेड चली है रिया और शोविक के घर पर, क्या कनेक्शन है, क्या कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, क्या कल की पूछताछ में बहुत अहम सुराग मिले हैं, बहुत अहम क्लूज मिले हैं जांच एजेंसियों को? प्रीति, देखिए, इंद्रजीत चक्रवर्ती को जांच की गई है वो सीबीआई के द्वारा की गई, सीबीआई के द्वारा लगातार जो है पूछताछ की गई है, उसमें उन्होंने कई अहम खुलासे किए। साफ तौर पे जो है जो कंपनी बनाई गई थी उसको लेकर जो है उन्होंने कई सारी सफाइयां सीबीआई को दी है, लेकिन ये पहली बार है जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के घर पे छापेमारी की है, क्योंकि इसके पहले जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कोई भी समन जो है शोविक, रिया या सैमुअल मिरांडा को इश्यू नहीं किया गया था। पहले छापेमारी की गई और उसके बाद में समन किए गए, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच है वो पूरी तरीके से इस दिशा में चल रही है कि ड्रग्स लाने का काम कौन करता था, ड्रग्स के सप्लायर कौन थे और ड्रग्स की हेरा फेरी कौन करता था, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में जो है सभी खुलासे हुए हैं। लेकिन ये पहली बार जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है दोनों के घर पे पहुंची और दोनों के साथ में जो है पूछताछ, दोनों की पूछताछ हुई और साथ में ही जो है फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो दो समन इश्यू किए हैं वो सैमुअल मिरांडा को और शोविक चक्रवर्ती को हुए हैं। यहाँ पे कुछ हलचल चल रही है, मैं आपको लाइव दृश्य दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और साथ में ही जो है मुंबई पुलिस की टीम भी जो है रिया चक्रवर्ती के बिल्डिंग के अंदर जा रही है और ये माना जा रहा है सबसे कुछ ही देर में जो है शोविक चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रिया के घर पर एनसीबी का छापा। जी हाँ, रिया के घर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको मुंबई से लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं और लगातार हमने बताया दर्शकों को कि किस तरीके से शोविक चक्रवर्ती के जो चैट स्क्रीनशॉट सामने आए हैं ड्रग पैडर्स के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम फिर से एक बार आपको दिखाएंगे कि आखिर उन चैट स्क्रीनशॉट्स में, जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है, उसमें क्या ऐसी बात सामने आई है जिससे ये समझ में आता है कि शोविक चक्रवर्ती का सीधे ड्रग पैडर्स से बातचीत हो रही थी और क्या उन्हीं सबकी जांच पड़ताल के बाद आज रेड हुई है शोविक और रिया के घर में और इसके बाद कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है शोविक चक्रवर्ती की, हम आपको बताएंगे।